चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है 64 की पावर 1/2। स्क्रीन स्क्रीन दिख रही सभी को? यस सर। ओके, देखिए 64 की पावर 1/2 फर्स्ट क्वेश्चन है। कैसे करोगे बेटो? देखो इसको 64 की पावर 1/2, बेटा 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, है ना, 64। तो स्क्वायर रूट मतलब पेयर बनाओ, 64 के प्रोडक्ट में पेयर बनाओ, तो क्या बनेगा, 8 × 8। सो यू कैन राइट इट 8 का स्क्वायर। ओके, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 पहले वाले का, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, 32 की पावर 1/5 है, 32 की पावर है 1/5। तो क्या करो बच्चों, 32 की पावर 1/5, 32 को फैक्टराइज कर लो 32 से, नहीं ऐसे नहीं, 2 से करो, 2 से 16 टाइम्स, फिर 2 से कितने बार गया, 8 टाइम्स, 2 से गया कितने बार, 4 टाइम्स, फिर 2 से गया 2 टाइम्स, और लास्टली 2 से गया 1 टाइम्स, तो 2 2 2 2 2, तो कितना आ गया, 2 की पावर 5, और बाहर कितनी है, 1/5। ओके, हाँ 1/5 है बच्चों। एक फॉर्मूला लिखो, a की पावर m की होल पावर n अगर हो तो ये बन जाता है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, मल्टीप्लाइड होता है बेटा अगर होल पावर में है तो। उसी का तो है, वही चैप्टर में वही है, जो है सिलेबस में वही तो पढ़ाऊंगा। सो 2 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर 2 की पावर 1, आंसर आ गया 2। बोलो बनेगा सभी को? हेलो, क्लियर है लक्ष्मी, क्लियर है? किसके बाद, 2 की पावर 5 × 1/5, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/5 से, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा, 2 की पावर 1, दिस इज इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 1 2 नहीं होगा, 1 इक्वल्स टू 0 क्यों होएगा? कुछ नहीं होता है ऐसा, कोई फार्मूला नहीं होता है, वो फार्मूला होता है किसी की भी पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, समथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू 1। चलो नोट करो बच्चों। क्यों प्रियांशी यार आवाज़, कुछ तो बोलो, यस सर तो बोलो। यस सर आई एम सेइंग। ओके लक्ष्मी, तुम्हारा नाम बुलाया अभी तुमने रिप्लाई नहीं दिया। yes, समझ में आ गया नहीं है? सर आ गया। चलो करो इसको पूरे क्वेश्चंस। चलिए देखिए सभी लोग बच्चों, नेगेटिव पावर वाला, नेगेटिव पावर वाला देखिए सभी लोग। देखिए कैसे करेंगे नेगेटिव पावर वाला, 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। बेटा कभी भी किसी चीज़ की पावर, जैसे x की पावर -1 है, इसका मतलब होता है x की पावर 1, मतलब नेगेटिव पावर दिखे तो सीधे उसको नीचे ले आओ। तो 125 की पावर -1/3 मतलब हुआ 1/125 की पावर 1/3, ये हुआ 1/125 की पावर 1/3। भाई नेगेटिव पावर है मतलब नीचे ले आओ। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, 1/ है 125, इसको ऐसे लिख लो अच्छे से तो ठीक लगेगा। अच्छा 125 को फैक्टर कर लो, तो 125 को फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, 3 टुकड़े बनेंगे, 5 5 5। अब 5 5 5 के 3 टुकड़े 1/3। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या एक्चुअली 5 की पावर 3 है और बाहर 1/3, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया 1/5, ठीक है। चलिए थर्ड का फर्स्ट देखिए, सिंप्लीफाई, डेसिमल नहीं है बेटा, वो प्रोडक्ट है बीच में। कैसे करेंगे देखिए, थर्ड का फर्स्ट जो है क्या होता है इसमें, देखो प्रॉपर्टी क्या लगेगी इसमें बेटा, अगर बेस सेम हो, x की पावर a, बेटा प्रॉपर्टी लिखो कॉपी में, x की पावर a इंटू x की पावर b इक्वल टू x की पावर a प्लस b, ये प्रॉपर्टी लगती है, है ना, a मल्टीप्लाइड बाई x की पावर b इक्वल टू x की पावर a प्लस b। सर मैं ये रिपीट इट, x की पावर a इंटू x की पावर b इक्वल टू x की पावर a प्लस b, प्रकृति गॉट इट? यस सर। ओके, इफ दे आर इन प्रोडक्ट देन दे विल बी एड, द पावर्स विल बी एडेड। ओके सो हियर 2 टू द पावर 2/3, ऊपर है 2/3,
इंटू टू की पावर वन बाई फाइव, तो बेस सेम है, पावर एड हो जाएंगी, सो इट विल बी टू की पावर टू बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव। अब क्या है, एलसीएम ले लो बेटा, टू की पावर थ्री और फाइव का एलसीएम कितना आएगा, फिफ्टीन आएगा, थ्री का डिवाइड किया फाइव आया, फाइव टू जा टेन, फाइव का डिवाइड किया थ्री आया, थ्री वन जा थ्री, सो आंसर आया बेटा टू की पावर थर्टीन बाई फिफ्टीन। बस यहीं पर रोक दो, यही आंसर होगा, देख हाँ नहीं इसके आगे क्या होगा सॉल्व, कुछ होएगा ही नहीं, सो आंसर इज टू की पावर थर्टीन बाई फिफ्टीन, सो आंसर इज टू की पावर थर्टीन बाई फिफ्टीन। आंसर इज टू की पावर थर्टीन बाई फिफ्टीन, ठीक है बच्चों, एक आइडेंटिटी और लिखो, डिवीज़न में बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी इक्वल टू एक्स की पावर ए माइनस बी, तो ये वाली आइडेंटिटी भी नोट कर लो, काफ़ी काम में आएगी आप लोग को, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी इक्वल्स टू एक्स की पावर ए माइनस बी। चलो सॉल्व करो इसके क्वेश्चंस। हाँ क्वेश्चन नंबर टू में बेटा, क्वेश्चन में वन अपॉन थ्री की पावर थ्री था, सो यहाँ थ्री की पावर थ्री की होल पावर सेवन है, हाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे टू गलती से लिख दिया है बच्चों, तो वन अपॉन थ्री की पावर थ्री का होल पावर सेवन कर लो, अब बिल्कुल सही है, जी हाँ पूरे का पावर सेवन, तो होल पावर सेवन, यार इतना क्या प्रॉब्लम, वन अपॉन थ्री का पावर थ्री होल पावर सेवन, अब ऊपर पावर भी खोल दो तो वन की पावर भी सेवन कर दो और नीचे थ्री की पावर थ्री की होल पावर सेवन कर दो, तो वन की तो पावर कुछ भी करो वन ही आएगा और थ्री की पावर ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई थ्री इंटू सेवन, सो आंसर वन अपॉन थ्री की पावर ट्वेंटी वन, क्लियर है। ठीक है प्रगति, क्लियर हो गया? यस सर। ओके